ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग क्या है, ध्यान कैसे लगाना, नहीं तो शास्त्रों में सुनाया विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध नहीं मिटा। अब भी मैं आपको बताऊं, एक साध्वी मिली सन्यासी, 2 साल हिमालय पर गुफा में बैठी जाके तपस्या किया, 2 साल बैठी तो अकेले मिली तो मत गया, पूछा हमने कहा 2 साल आपने हिमालय में इतनी ठंडी में क्या तपस्या किया, तो कहता ओम आंखें बंद करके ओम की धुनि करते थे। तो हमने कहा क्यों किया, तो खाना कौन खिलाता था आपको, स्नान कब करते थे, इतनी ठंडी है उधर बर्फ पड़ता है, गुफा में क्या किया आपने, तो हमने पूछा क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता है, तो आपके मन में बुरे स्वप्न नहीं आते, तो पूछा उन्होंने कहा, उसका जवाब नहीं दिया कि मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा तो मुझे लेके गए, मेरे आंखों से आंसू नहीं आया। अरे मैं पूछ रहा था तब पता चला ये माता है, तब तक मैं सोचा था कोई साध्वी है सन्यासी है, 2 साल हिमालय पर तपस्या किया, क्या तपस्या किया, हमने कहा हिमालय पर तपस्या किया क्या किया, उसका फायदा क्या, माताजी रोज मंदिर में जाती है, रोज 1 घंटा पूजा करती है, क्यों करते हो, अभी तक क्रोध ही नहीं गया तो पूजा क्यों कर रहे हो आप, रोज 1 साल से किसी डॉक्टर की दवाई ले रहे हो, अभी तक सिर दर्द ही ठीक नहीं हुआ तो क्यों दवाई लेते हो, प्रश्न आएगा ना, ऐसे नहीं अपने आप नहीं, हर कर्म जो करते हो उसका रिजल्ट चाहिए ना। तब आपको बताया 1 दिन पहले करके देख लो, एक साधे सब साधे, अगर 1 दिन ही कहा सिर्फ कुछ भी नहीं करना, 24 घंटा अपना काम करो, किसी को देखते ही शुभ सोचो। दूसरा कहा अगर अंदर पाप मिटाना है पहले किया हुआ तो उसके लिए साधना करना चाहिए, ध्यान करने की विधि बताया, वो भी 5 मिनट ही, उसकी भी विधि बताया। इन दोनों में अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई समझ में नहीं आया, कठिनाई है तो बताओ, ठीक है, क्योंकि अपने लिए कल ऐसे नहीं कहना ऐसी बीमारी क्यों हुई, ऐसा दर्द क्यों हुआ, ऐसा दुख क्यों हुआ, किए हुए कर्म भोगना ही पड़ेगा, और किए हुए कर्म पहले से बताते हैं, दवाई ले लो नहीं ले लो आपके ऊपर है, ठीक है, समझ में आया। अभी आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो बताओ।